बहुत सारी बॉटल्स हैं जो मैंने बनाई हैं, दिस इज कॉल्ड बॉटल आर्ट। इस तरह के बॉटल आर्ट में आपको कितना टाइम लगता है बनने में? ये 2 से 3 दिन लग जाता है। और ये पुराना लेदर मेरा जो सोफा रिपेयर के बाद मेरा बच गया था, ये दाल यूज किया है और ये पेपर है, गत्ता है जी, थिन के अराउंड मैंने लगा दिया है। और ये एक चूड़ी है, बैंगल है जी, उससे इसको पकड़ लिया। संदीप जी, आपने अभी मेरा बाहर का गार्डन देखा जी, अब मेरा अंदर का देखिए। वाओ, तो मतलब ये सारी वेस्ट जो चीजें मैम आपने वो यूज करी हैं जी? ओके। जो भी वेस्ट चीजें हैं वो मैं यहाँ अंदर अपने होम डेकोर में भी यूज करती हूँ। ये मेरी बहुत सारी बॉटल्स हैं जो मैंने बनाई है, दिस इज कॉल्ड बॉटल आर्ट जी। अब जैसे ये बॉटल है, ये मैंने आइसक्रीम स्टिक्स से बनाई है। Beautiful. और इसको ये इफेक्ट देने के लिए मैंने चने की दाल यूज की है। अच्छा, नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। तो इस तरह के बॉटल आर्ट में आपको कितना टाइम लगता है बनने में? ये 2 से 3 दिन लग जाता है, क्योंकि इसको सुखाना भी पड़ता है मुझे जी। पेंट करने के बाद, फेविकोल का यूज़ करने के बाद इसमें सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। अब आपने ये जैसे मेरी बॉटल है, आपने सुना होगा कि पेड़ों पे पैसे नहीं लगते, पर मेरे घर में लगते हैं। ये देखिए, ब्यूटीफुल। और इसमें किस किस तरह का मटेरियल आपने यूज़ किया कॉइन्स के अलावा? ये मेनली तो कॉइन्स हैं और बाकी ये जूट है। Okay. जिसे सूतली भी बोलते हैं। Okay. उसकी हेल्प से मैंने ये ट्री का लुक क्रिएट किया है। ब्यूटीफुल, नाइस। अब ये है मेरी, इसमें भी कॉइन को यूज किया हुआ है आपने जी? ये पर्स बनाया है एक्चुअली मैंने। Okay. ये पर्स बनाया है, ये जिप है। वाओ, पुराने पर्स से मैंने जिप निकाली और ये पुराना लेदर मेरा जो सोफा रिपेयर के बाद मेरा बच गया था उसको मैंने यूज किया है। ब्यूटीफुल। और इसको मैंने, ये पर्स मेरा फुल ऑफ खजाना, ये ट्रेजर है मेरा। नाइस जी। और ये मार्बल लुक दिया है मैंने एक डिब्बे को। ब्यूटीफुल। इसको, इसका एक प्रोसेस होता है, इसमें आप कलर पेपर यूज करके उसको रब करते हैं जब तक कि उसमें मार्बल लुक ना आ जाए। ओके। इसको स्टेन रिमूवर यूज करने के बाद। नाइस। जबकि ये सिंपल एक एम्प्टी बॉक्स है जी, प्लास्टिक का है ये। Beautiful. बाकी सब बॉटल्स कांच की हैं। ये मैंने लीफ से बनाया, लीफ प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, लीफ से जी, ये लीफ लगा के और उससे मैंने पेंट बनाया है। दिस इज अगेन, ये दिवाली के लिए मैंने एक दिया बनाया है, लैंप बनाया है जी। जो मेनली वेस्ट चीज़ें ही हैं, ये उसका फेविकोल का कवर है, ढक्कन है, और ये चटनी वटनी मिलती हैं साथ में जो जी बाहर से सामान मंगाते हैं, और ये जैम बॉटल है। ओके। दिस इज जैम बॉटल। नाइस। और ये ऊपर मैंने इसको हैंडल बना दिया, ये पेपर बैग के ऊपर जो कैरी बैग्स के साथ स्ट्रिंग आती हैं वो लगी हुई है। ब्यूटीफुल। दिस इज अगेन अनदर, वाओ, जो कि एंटीक लुक देने दिया है इसको। अंदर ही आपने से वो दालें यूज करी हैं जी? वाओ, ये दाल यूज किया है और ये पेपर है, गत्ता है जी, थिन, जो सामान आता है घर में। मैम, ये जो आप सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसको देखने के बाद कई सारे व्यूअर्स भी मोटिवेट होंगे इसे बनाने के लिए, तो किस तरह के कलर्स को यूज़ करते हैं उसका भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये की तरह स्टार्ट कर सकें। इसको एंटीक लुक देने के लिए मैंने कॉपर और गोल्ड कॉपर कलर को और फेविक्रिल को यूज़ किया है। ओके। उसका और ये एक और, ये देखिए स्पेशल डिज़ाइन, ये फौजी फॉर्मल लुक में है जी। ब्यूटीफुल मैम जी। ये भी सब आपने आई थिंक रिबन्स वगैरह यूज करे हैं, बटन्स यूज करे हैं जी। ये पुराने बटन पड़े थे वो था, और ये उसका हैट बनाने के लिए, कवर बनाने के लिए उसकी ये चटनी वगैरह जो आती जी, है प्लास्टिक, उसमें उसको यूज किया है। ये भी मेरा पुराना, ये कई बार गिफ्ट रैप्स आते हैं उसके ऊपर ये लिपटा हुआ होता है रिबन, मैंने उसी को यूज़ किया है ये जी। ब्यूटीफुल। और ये गिफ्ट आइटम कुछ उसमें रैप होके आते हैं सामान, उसका यूज़ किया है। हियर इज अनदर बॉटल। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल नेकलेस भी बनाया हुआ है आपने। नेकलेस है ये, क्लॉथ है जी,
क्लॉथ को मैं स्टार्च लगा कर उसको इसके अराउंड बॉटल के अराउंड मैंने लगा दिया, और ये एक चूड़ी है, बैंगल है जी, उससे इसको पकड़, ये ग्रिप बनाई है उसकी। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो हम ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? तो ये बहुत ही अमेजिंग है सब के सब जो हैं। अब जैसे ये अलग है, अलग है, ये है बॉटल, आप ये हैरान होंगे, ये इसमें भी जिप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बटन्स लगाए हैं जी। तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि आपको आइडियाज आपके खुद के हैं या फिर आप कहीं से इंस्पायर्ड हैं, ऐसे कुछ है? मुझे शौक है क्रिएटिविटी का, तो मैं सोचती रहती हूँ, कहीं से कोई चीज़ देख भी लेती हूँ तो उसको माइंड में रखती हूँ, फिर उसको घर में आके ट्राई भी करती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, सारी की सारी बॉटल्स हैं आपको, अलग अलग डिजाइन्स मिलने वाले हैं। पर्स की, उसको यूज़ किया है, ब्यूटीफुल, और इसको पेंट किया हुआ है आपने ना? जी, ये पेंट है, पेपर है, और ये पेन से इसको इस तरह का लुक दिया है, जैसे स्टिचिंग की हुई है। नाइस, ब्यूटीफुल ऐसे। और ये भी सिंपल, एक सिंपल है, मार्बल लुक है कहलाता है, ये मार्बल का यूज़ किया, ब्राउन पेपर है, इसको मैंने बर्न किया है, ओके, एजेस को, पेपर को बर्न करते हैं साइड्स को जी, तो वो जो शेप ले लेती हैं वो जल जाता है, ये बर्नड पार्ट है सारा, ओके, और फिर इसको फेविकोल से इसके ऊपर चिपका दिया, दैट्स ऑल, और फिर वार्निश कर दी। ब्यूटीफुल मैम। इसी तरह अभी ये भी सिंपल, सिंपल ट्रायंगल को, गत्ते को काट के इसके ऊपर चिपका दिया है जी, और फिर इसकी आउटलाइन की है मैंने गोल्डन पेन से। नाइस। अब ये भी, ये रैपिंग पेपर्स वगैरह या बच्चों की ड्राइंग शीट्स वगैरह आती, इसको मार्बल लुक दिया, पहले बेस उसका बनाया, और ये बच्चों की ड्राइंग शीट्स वगैरह से ये कटिंग मैंने लेके इसके ऊपर ये चिपका दिया है। ब्यूटीफुल मैम। ये और दिस वन इज़ वेरी सिंपल, दिवाली में आप इसके अंदर जो ट्वी लाइट्स आती हैं इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, दिवाली पे इसको यूज़ करती हूँ। और ये एक मेरी अभी बॉटल जिसके ऊपर मैं काम करने जा रही हूँ। अच्छा। ये है, अब आप सोचते होंगे कि ये इतनी सारी बॉटल्स घर में इस्तेमाल होती हैं, जी नहीं। ओके। मेरा जो बाहर से कचरा उठाने वाला आता है, वेट एंड ड्राई वेस्ट इकट्ठा करता है हमारा स्टाफ मेंबर जो, मैंने उनको ऑर्डर दिया हुआ है, आपको कहीं से भी कोई बॉटल खाली मिलती है तो आप मुझे ला के दे दीजिए। ओके। सो दे ऑल्सो हेल्प मी। वाओ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप देखिए, इतनी सुंदर सुंदर बॉटल्स अगर आपके यहाँ पे निकलती हैं, वेस्ट होती हैं, आपको भी ऐसे ही शौक है मैम की तरह, तो आप भी कलेक्ट करके कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। होम डेकोर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और जब आपके घर में कोई आता है, जैसे कि मैं मैम के पास आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है सभी बॉटल्स ने, और मेरे मन में भी था कि मैं इसके बारे में डिटेल लूँ मैम से, लेकिन फाइनली मैम ने वीडियो के अंदर ही इन सभी चीज़ों को शेयर किया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, और वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे इस तरह की वेस्ट चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और मैं गिफ्ट यही चीज़ें करती हूँ जी, हम प्लांट लवर हैं तो या तो हम प्लांट एक्सचेंज करते हैं एज ए गिफ्ट जी, या फिर मैं ये अपनी कारीगरी है जो मेरी क्रिएटिविटी है, मैं गिफ्ट्स में यही अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करती हूँ। ब्यूटीफुल मैम, एंड दे फील वेरी हैप्पी। नाइस।